हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, आज की जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नए साल के दिन अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन ने फिर कर दी सीना जोरी। भारतीय सेना ने ऐसे खदेड़ पीछे किया है। दोस्तों बताएंगे आखिर नए साल के दिन क्या चाहता था दोस्तों चाइना। बड़ी झड़प होने वाली थी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर। भारतीय सेना ने दिखा दिया अपना दमखम। दोस्तों बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, साथ ही आगे बताएंगे जहां पर गलवान घाटी से बोला चाइना, कहा नहीं देंगे एक इंच भी जमीन। जिसके बाद दोस्तों चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी करने लगा अपना भारत। दोस्तों ये दूसरी बड़ी खबर भी आपको बताएंगे, साथ ही आगे बताएंगे जहां पर पाकिस्तान चीन के हर हमले का मिलेगा अब करारा जवाब। पंजाब में तैनात हुई वायु रक्षा प्रणाली S-400 की पहली यूनिट। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर यानी इसकी तैनाती को लेकर बड़ी जानकारी और सबसे पहले जानकारी आपको दे रहे हैं दोस्तों, साथ ही आगे बताएंगे जहां पर नए साल के दिन ही जो बाइडेन, फाउची, जुकरबर्ग और ओबामा का नाम पिस्टल लेकर व्हाइट हाउस की तरफ जा रहा युवक। जी हां दोस्तों, जो बाइडेन को मारने की बड़ी धमकी। बताएंगे आखिर क्या है पूरी बात, और ओमिक्रॉन को लेकर भी बड़ी खबरें हैं दोस्तों, जहां पर लगातार बढ़ रहे हैं मामले। इस नए साल में दोस्तों सरकार बहुत बड़ा फैसला ले सकती है कोरोना संक्रमण को बढ़ते देख। साथ ही बताएंगे जहां पर WHO प्रमुख ने भी बताया है कोरोना को जड़ से खत्म करने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, सबके साथ शेयर करने वाले हम ये खबर। साथ ही इस राहत भरे नए साल में बड़ी खबर आ रही है, इंडियन ऑयल ने दिया है बड़ा तोहफा। जी हाँ, LPG सिलेंडर के दाम 100 रुपए घटा दिए गए हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों इंडियन रेलवे ने अपने यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दी है दोस्तों, बताएंगे क्या है, और मौसम विभाग की भी बड़ी जानकारी। तो हर तरह की आपको खबर बताने वाले, इसीलिए बन रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, और एक ना एक दिन चाइना को जरूर झुकाएंगे दोस्तों। और भारतीय होने पर भी गर्व है, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर एक बार फिर चाइना ने की है सीना जोरी। भारतीय सेना ने ऐसे खदेड़ा। जी हाँ दोस्तों, नए साल के दिन बड़ी खबर आ रही है, जहां अरुणाचल प्रदेश में चीन की उकसाने वाली गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है। दावा यह किया गया है कि हाल ही में भारतीय सेना का बुमला दर्रा के पास चीनी सेना के एक गश्ती दल से आमना सामना हुआ था। भारतीय सेना के हस्तक्षेप के बाद चीनी सेना को मजबूरन पीछे लौटना पड़ा था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है दोस्तों। हालांकि भारतीय सेना या किसी आधिकारिक स्रोत की तरफ से इस घटना की पुष्टि नहीं की गई है दोस्तों, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि इस वीडियो को अरुणाचल प्रदेश के बुमला के पास शूट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें वीडियो में एक छोटी सी नदी के एक तरफ भारतीय सैनिक और दूसरी तरफ चीनी सैनिक खड़े होकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर उनमें से कोई एक भी दोस्तों पहले आगे कदम बढ़ा देता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, और नए साल के दिन बड़ी घटना होते होते बची है दोस्तों, चाहे वो चाइना की तरफ से हो या भारतीय सेनाओं की तरफ से दोस्तों। लेकिन एक चीज तो तय है कि अपनी भारतीय सेना हर मुश्किल घड़ी में अपने आप को ढाल लेती है दोस्तों, और किसी भी मुश्किल से नहीं घबराती है। ऐसे में जय भारतीय सेना, जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां साथ ही आपको बता दे, जहां पर नए साल पर चीनी ड्रैगन की भड़काऊ हरकत। गलवान घाटी से कहा नहीं देंगे एक इंच भी जमीन। जी हाँ दोस्तों, चीनी ड्रैगन ने अरुणाचल प्रदेश में नाम बदलने और भारतीय सांसदों को पत्र लिखने के बाद नए साल पर एक और घटिया हरकत की है। चीन ने लद्दाख की गलवान घाटी का एक वीडियो जारी किया, और इस वीडियो में चीनी सैनिक नए साल की बधाई देते नजर आ रहे हैं। भारतीय सीमा के पास मौजूद ये चीनी सैनिक कह रहे हैं कि हम देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। इनके पीछे पहाड़ी पर लिखा हुआ है कि कभी भी एक इंच जमीन नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, चीन ने एक वीडियो जारी करके दिखाया है, जिसमें चीनी झंडे को तिब्बत के बर्फीली इलाके में एक ड्रोन से फहराया जा रहा है। चीनी सैनिक एक नए साल की बधाई दे रहे हैं, और भारत और चीन के बीच पिछले कई महीने से लद्दाख में विवाद बना हुआ है। आपको बता दें दोस्तों कि ये तो थी चीनी सैनिकों की बात। भारतीय सेनाओं को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर LAC पर भारतीय सैनिकों ने बनाया चक्रव्यूह। सर्दी में चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देने की बड़ी तैयारी। बता दें सीमा पर चीन की सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने चक्रव्यूह का निर्माण किया है, और भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय सेना
रहे हैं। भारतीय सीमाओं पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा सैनिकों की वृद्धि और सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाने के जवाब में अपनी ताकत को पुनः गठित करना शुरू किया है। सीमा पर भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों के खिलाफ चक्रव्यूह का निर्माण किया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि उन क्षेत्रों में जिन जगहों पर अभी तक इंडियन आर्मी की तैनाती नहीं की गई थी, उन जगहों पर भी भारतीय सेना की तैनाती कर दी गई है और सीमा पर इंडियन आर्मी अपनी ताकत को पुनः गठित किया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इंडियन आर्मी लगातार उन क्षेत्रों का आकलन कर रही है जहां चीन की सेना की तरफ से खतरा पैदा किया जा सकता है। इसके साथ ही इंडियन आर्मी ने उन क्षेत्रों में भी अपनी ताकत को काफी बढ़ा लिया है जिन क्षेत्रों में चीन की सेना ने इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारतीय सेना चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दोस्तों चक्रव्यूह तैयार कर रही है। कितना भरोसा आपको अपने भारतीय सेना पर, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और साथ ही आपको बता दे, जहां नए साल और बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात भारतीय सेना के जवानों ने देश को दी है बधाई। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश नए साल का जश्न मना रहा है, लेकिन भारतीय सेनाओं ने जिस तरीके से दोस्तों आप लोगों को यानी कि भारत के देशवासियों को नए साल की बधाई दी है, उसको देखने के बाद हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। उसी पर बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात भारतीय सेना के जवानों ने नए साल की बधाई दी है, जिसका एक वीडियो सामने आया है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। कृपया करके आप भी उनको नए साल की बधाई कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा अपने भारतीय सेनाओं को। बात कर अगली खबर की, जहां पर पाकिस्तान चीन के हर हमले का मिलेगा अब करारा जवाब। पंजाब में तैनात हुई वायु रक्षा प्रणाली S-400 की पहली यूनिट। जी हाँ दोस्तों, चीन व पाकिस्तान के किसी भी हमले को नेस्त नाबूद करने में सक्षम वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल प्रणाली S-400 की पहली यूनिट को पंजाब में तैनात कर दिया गया है। रूस से खरीदी गई इस अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली को पंजाब में वायुसेना के 5 ठिकानों में से एक पर तैनात किया गया है और यह सैन्य ठिकाना पाकिस्तान सीमा के सबसे पास है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहाँ हिट लिस्ट में जो बाइडन, फाउची, जुकरबर्ग और ओबामा का नाम। एक शख्स पिस्टल लेकर व्हाइट हाउस की तरफ जा रहा था दोस्तों, जिसको बाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस शख्स की हिट लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और उनके सलाहकार समेत कई हस्तियां शामिल थी। तमंचा लेकर यह शख्स धीरे धीरे व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी मकसद में कामयाब हो पाता, पुलिस ने उसे दबोच लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 साल के इस शख्स का नाम कियो चुआ ब्रिलियन जियोंग है दोस्तों। बता दे, कुछ दस्तावेज उसके द्वारा पकड़े गए हैं दोस्तों, जिसमें एक GPS डिवाइस था जिसमें व्हाइट हाउस का पता डाला गया था दोस्तों। यानी कि वो जो बाइडन को मारने के लिए जा रहा था। यानी कि दोस्तों, बहुत बड़े घटना को अमेरिकी पुलिस ने बचा लिया दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर आतंकवाद पर साल का पहला प्रहार। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने मार गिराया एक दहशतगर्द। ऑपरेशन अभी भी जारी है दोस्तों। बता दें, कश्मीर संभाग के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। मारे गए आतंकी की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। घाटी में आतंकियों के सफाई के लिए चल रहे ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जैश ए मोहम्मद व लश्कर ए तैयबा के खिलाफ सुरक्षा बलों ने कड़ा प्रहार करते हुए कई नामी गिरामी कमांडरों और पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है। टारगेट किलिंग की घटनाओं पर गृह मंत्रालय के सख्त रवैये के बाद दहशतगर्दों को खोज खोज कर ढेर किया जा रहा है। दक्षिणी कश्मीर में मजबूत पकड़ रखने वाले हिजबुल मुजाहिदीन का नेटवर्क समाप्त हो गया है दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान में हुए सबसे अधिक आतंकी हमले। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। आपको बता दें, दुनिया भर में आतंक का पनाहगार पाकिस्तान खुद ही आतंकी हमलों से त्रस्त है दोस्तों। एक ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता शुरू होने के साथ ही पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में यकायक वृद्धि हुई है दोस्तों। रिपोर्ट कहती है कि अगस्त 2021 में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं। ये वही वक्त है जब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता शुरू हुई। बात करें दोस्तों अगली खबर की, जहां एक आतंकी का DNA टेस्ट क्यों कराने जा रही है। पुलिस पुलवामा आतंकी हमले से है इसका कनेक्शन। बता दें, जम्मू और कश्मीर पुलिस एक आतंकवादी का DNA टेस्ट करवाना चाहती है। इस मरे हुए आतंकवादी का कनेक्शन पुलवामा अटैक से बताया जा रहा है। आपको बता दें कि देश के दुश्मनों के द्वारा किए गए इस कायराना हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवान शहीद हो गए थे। जी हाँ दोस्तों,
और ऐसे में पुलिस को शक है दोस्तों जिसके बिहाफ पर इस आतंकवादी का डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है। और डीएनए टेस्ट के बाद दोस्तों ये पता लगाया जा सकेगा दोस्तों कि आखिर आतंकवादी का कनेक्शन किस गुट से है। दोस्तों बढ़तंगली खबर की तरफ, जहां नए साल पर ताइवान की चीन को बड़ी नसीहत, कहा आजादी अपराध नहीं है, तानाशाही के खिलाफ होगी लोकतंत्र की जंग। जी हाँ दोस्तों, नए साल पर ताइवान ने चीन को बड़ी नसीहत दी है। ताइवान ने चीन से कहा है कि आजादी अपराध नहीं है, तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की जंग होगी ही होगी। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने शनिवार को बताया है कि चीन की तरफ से मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दबाव की वजह से ताइवान को अपनी आजादी और प्रजातंत्र को लेकर काफी दबाव का सामना करना पड़ा है। अगली खबर की बात करें, जहां पर कोरोना से जंग में अफगानिस्तान की मदद को आगे आया अपना भारत। जी हां, 5 लाख COVID-19 वैक्सीन की गई है गिफ्ट। जी हां दोस्तों, भारत ने शनिवार को काबुल में इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के COVID-19 टीकों की 5 लाख खुराक दान की है और आने वाले हफ्तों में अफगानिस्तान के लोगों के लिए मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में 5 लाख और टीके भेजने का वादा किया है। टीकों को ईरान की महान एयर की उड़ान के माध्यम से काबुल भेजा गया था, क्योंकि वर्तमान में भारत और अफगानिस्तान के बीच कोई सीधी उड़ान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और भारत के इस मदद का दोस्तों क्या आप सराहना करते हैं, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। क्या मानवता के लिए भारत ने जो कार्य किया है दोस्तों, कितने हद तक सही है, कमेंट में आप लोग अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर सऊदी राजदूत की ओर जूता दिखाते बैठते हुए पाए गए हैं दोस्तों विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। सोशल मीडिया पर लोगों ने जताया आक्रोश। बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री अपने काम से ज्यादा विवादों के लिए चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर उनकी हरकत सोशल मीडिया पर लोगों को नागवार गुजर रही है दोस्तों। सोशल मीडिया में विदेश मंत्री कुरैशी की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो पाकिस्तान में सऊदी राजदूत के सामने अपमानजनक तरीके से अकड़ कर बैठे नजर आ रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान में सऊदी अरब के राजदूत नवाफ बिन सईद अल मलकी के बीच एक बैठक हुई थी, जिसमें शाह कुरैशी का बैठने का तरीका अजीब और गरीब था और उन्होंने अपना जूता राजदूत के मुंह की तरफ कर रखा था दोस्तों, और उनको अपना जूता दिखा रहे थे। आप पिक्चर देख पा रहे होंगे दोस्तों, आपकी क्या राय सुझाव होगी, शाह महमूद कुरैशी के क्या यही एटिकेट्स हैं दोस्तों, आपकी क्या राय होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, लेकिन जिन भाई और बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, कृपया करके रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां ईरान से तनाव के बीच इसराइल ने अमेरिका से खरीदे $3.1 अरब के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। जी हां दोस्तों, इसराइल ने एक दर्जन लॉकहीड मार्टिन सिकोरस की हेलीकॉप्टर और 2 बोइंग KC-46 ईंधन भरने वाले विमान खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगली खबर की बात करें, जहां भारत और पाकिस्तान ने परमाणु संस्थानों की सूची साझा की है, अपनी जेलों में बंद कैदियों की जानकारी भी सौंपी है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को अपनी अपनी परमाणु प्रतिष्ठानों और फैसिलिटीज की जानकारियां दी है, ताकि शत्रुता की स्थिति में वे इनसे एक दूसरे पर हमला ना करें। पिछले 3 दशक से चली आ रही शत्रुता के बावजूद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की पुरानी परंपरा को बनाए रखा है। दोनों देशों ने एक दूसरे की जेलों में बंद कैदियों की सूची भी साझा की है। इस दौरान भारतीय पक्ष ने पाकिस्तान से कैदियों, लापता भारतीय रक्षा कर्मियों और मछुआरों की शीघ्र रिहाई की मांग भी की है दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर चीन ने 31 साल बाद पहली बार निकारागुआ में खोला दूतावास, अमेरिका ताइवान को लगेगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, बता दें चीन ने वर्ष 1990 के बाद से पहली बार निकारागुआ में दूतावास खोला है। चीन ने यह कदम निकारागुआ के राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा की सरकार के ताइवान से संबंध समाप्त करने के बाद उठाया है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर श्रीलंका को लेकर खबर, त्रिंको माली में 14 तेल टैंक भारत को लीज पर देने पर सहमति बनी है दोस्तों, 50 साल के लिए होगा ये करार। अगली खबर की बात करें, जहां पर दिल्ली में कोरोना संक्रमण ने तोड़ा 7 महीने का रिकॉर्ड, 24 घंटों में 2716 नए केस दर्ज किए गए हैं दोस्तों, जिसमें एक मौत भी दर्ज हुई है। बता दें दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले स्पीड से बढ़ रहे हैं, पिछले 24 घंटों में 2716 नए
मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 14,50,927 पहुंच गई है। तो वहीं 24 घंटों में 765 मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं। आपको बता दे दोस्तों, इसी से जुड़ी खबर है, WHO प्रमुख ने बताया कोरोना को जड़ से खत्म करने का तरीका, कहा ऐसे किया तो ये महामारी का अंतिम साल होगा। जी हाँ दोस्तों, WHO प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि अगर हम असमानता को हरा दें तब ये महामारी भी हार जाएगी। घेब्रेयेसस ने कहा है कि कोई भी देश इस महामारी से अछूता नहीं है, हमारे पास कई ऐसे हथियार है जिससे हम इससे बचाव और इसका सामना कर सकते हैं। अगर हम असमानता को हरा दें तो मुझे विश्वास है कि हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम COVID-19 महामारी के तीसरे साल में प्रवेश कर चुके हैं, मुझे विश्वास है कि अगर हम एक साथ रहें तो ये इस महामारी का अंतिम साल होगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर सपा सरकार में लूट के काम आने लगा रामपुरी चाकू। जी हाँ दोस्तों, ये किसी और ने नहीं, खुद CM योगी आदित्यनाथ जी ने साधा है समाजवादी पार्टी पर निशाना। बता दे उत्तर प्रदेश 2022 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए लगी हुई है। ऐसे में नए साल पर ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में एक रैली की। उत्तर प्रदेश के योगी ने कहा कि 2017 से पहले गुंडों का मुख्यमंत्री आवास में स्वागत होता था, लेकिन 2017 के बाद मुख्यमंत्री निवास में किसानों का सम्मान होता है। जी हाँ दोस्तों, रामपुर के मशहूर चाकू का जिक्र सीएम योगी के भाषण में भी जमकर हुआ है। सीएम ने कहा कि रामपुरी चाकू का उपयोग कैसे करना है हमें पता है, ये गलत हाथों में होगा तो दुरुपयोग होगा। बढ़ते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर राहत भरे नए साल के बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इंडियन ऑयल ने दिया बड़ा तोहफा, कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 100 रुपए घटा दिए हैं। दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल ने 1 जनवरी से कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में 100 रुपए की कटौती करके लोगों को बड़ा तोहफा दिया। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगली खबर की बात करें, जहां शादीशुदा लोगों के लिए शानदार सरकारी स्कीम है दोस्तों, हर महीने मिलेगी 10,000 रुपए की पेंशन, जल्दी से उठा सकते हैं इसका आप भी फायदा। जी हाँ दोस्तों, बुढ़ापे की चिंता हर किसी को होती है, अगर आप भी अपने रिटायरमेंट को सिक्योर रखने के लिए सुरक्षित जगह निवेश का प्लान बना रहे तो सरकार की अटल पेंशन योजना में पैसा लगा सकते हैं। इस स्कीम में पति और पत्नी अलग अलग अकाउंट खोलकर हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन हासिल कर सकते हैं। इस योजना के कई फायदे और भी हैं दोस्तों, आपको बता दें आखिर कौन कर सकता है इसमें निवेश। तो आपको बता दें कि इस योजना में 18 से 40 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है, जिनके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, और वो भी इसमें आसानी से निवेश कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस योजना में 60 साल के बाद जमाकर्ताओं को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। क्या है अटल पेंशन योजना, क्या है इस योजना के फायदे और 10,000 रुपए की पेंशन कैसे मिलेगी दोस्तों, टैक्स बेनिफिट भी कैसे मिलेगा, हर तरह की जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी है, आप देख ही पा रहे होंगे। साथ ही दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां भारतीय रेलवे की बड़ी खुशखबरी, इंडियन रेलवे ने कल से कर दिया बड़ा बदलाव, अब बिना रिजर्वेशन कर सकेंगे सफर। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने कल से सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है, अब आप बिना रिजर्वेशन भी ट्रेन में सफर कर सकते हैं। जी हाँ, रेलवे अब यात्रियों को बिना रिजर्वेशन सफर करने का मौका दे रही है, यानी अनारक्षित टिकट पर कर सकते हैं यात्रा। आपको बता दें कि आप जनरल डिब्बों में अनारक्षित टिकट यानी अनरिजर्व्ड टिकट पर यात्रा कर सकते हैं। कोरोना महामारी के बाद रेलवे एक बार फिर से यात्रियों को पुरानी सुविधाएं धीरे धीरे देना शुरू कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अंतिम खबर की बात करें, जहां यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत 11 राज्यों में 4 जनवरी से हो सकती है बारिश, पारा गिरने के भी आसार है। जो दोस्तों मौसम विभाग ने इसको लेकर किया है बड़ा अलर्ट। जी हाँ, IMD के DG मृत्युंजय महापात्रा ने शनिवार को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिमी भारत की ओर से आ रहे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव में 4 जनवरी से 7 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर बारिश या बर्फबारी हो सकती है दोस्तों, जिसका प्रभाव यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में पड़ता दिखाई देगा, यानी यहां पर भी बारिश होगी दोस्तों और ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। जी हाँ, इस पर आपकी क्या राय सुझाव होगी कमेंट में जरूर बताइएगा, आप किस राज्य से हैं दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें, आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए
पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट आना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगली खबर का जरूर इंतजार करिएगा। एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।